नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज बताऊंगा डेनिम को आप बूट कट कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहें, आगे का भाग ज़्यादा कम रखना है, पीछे का ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे हम, इस तरह से, क्योंकि क्रॉस निशान लगाना है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, टेलर टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस तरह से आप कटिंग कर लेंगे आप बूट कट करने के लिए डेनिम को। तो सेम बॉटम जोड़नी हुई, जैसे भी डेनिम का बॉटम सेम बॉटम जुड़ता है उस तरह से बॉटम जोड़ देना। अगर चैनल में नए हैं, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों ये मैंने निकाल रखा है बॉटम, तो इसको ही जोड़ेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहें। तो इस तरह से इसको पहले टाइट भी करना पड़ेगा हमको। ये बेल बॉटम है, इसको बूट कट करना है। बेल बॉटम डेनिम है, इसको बूट कट करना है। तो आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे इतने से, इस तरह से। अब मशीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपरली कि किस तरह से इसको जोड़ेंगे। तो वीडियो में पूरी अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डेनिम बूट कट कैसे बनाएंगे आप। तो आप बना लीजिए आराम से। अगर समझ में आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, और नहीं आएगी तो तब भी कमेंट करें, मैं दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से दोस्तों हम कट कर लेंगे पहले इसमें सिलाई, जो हमने हमारा जो सेम बॉटम कटिंग करके मैंने जो रखा है उसको टाइट कर लेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे सेम तरीके से। पूरी वीडियो में बने रहें आप, अंत तक जरूर देख लें वीडियो को। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगी तो एक बार कमेंट जरूर कर दें, और अगर कोट पैंट की फिटिंग करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें, आपको नई नई वीडियो का वीडियो मिल जाएंगे। आप अपने घर में ही कोट पैंट की फिटिंग कर सकते हैं आराम से, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे माताएँ और बहनों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे प्रॉपरली। आप देख लीजिए,